नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर. आपको रिफ्लेक्स एंगल्स गिवन है यूजिंग अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए आपने इसकी मेजरमेंट बतानी है. ये भी आपका बुक वर्क है क्योंकि आपको एंगल्स ड्रॉ हुए हैं इसमें, आपने सिर्फ इसकी मेजरमेंट बतानी है. ठीक है, आपने क्या करना है, एंगल को रिफ्लेक्स एंगल मेजर करना मैंने आपको सिखाया. पहले आप क्या करेंगे, इंटरनल साइड वाला एंगल ड्रॉ करेंगे. इंटरनल साइड पर जो एंगल आपकी मेजरमेंट आएगी उसको 360 डिग्री से माइनस कर देंगे. चलें मेजर करते हैं इसे. मैं रखा रिफ्लेक्स एंगल. अच्छा ये देखें, अगर मैं इसको देखूँ ये स्ट्रेट लाइन इसकी राइट एंगल मैं इस पर ड्रॉ करूँ तो ये रहा 90 डिग्रीज. ये 90 डिग्री से आउटर साइड पर है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, तो कौन सा एंगल होगा, ऑब्ड्यूस एंगल होगा. तो हम इसकी मेजरमेंट भी क्या करेंगे, 90 डिग्री से बड़े वाले नंबर्स मिलेंगे. देखें 90 डिग्रीज ग्रेटर में कहाँ है, ऊपर वाली लाइन में हमें दिए हुए ग्रेटर नंबर. अब देखिए कहाँ पर हमारी मेजरमेंट परफेक्ट आ रही है. वन थर्टी डिग्रीज मेजरमेंट क्या आ रही है, 130 डिग्रीज. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटरनल एंगल की आई 130 डिग्रीज, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट किस तरह करते हैं, जो हमारे पास एंगल इंटरनल साइड एंगल की मेजरमेंट आती है उसको हम किससे माइनस करते हैं, 360 डिग्रीज से. 360 डिग्रीज में से 130 डिग्रीज मैंने माइनस किया, जीरो में से जीरो माइनस जीरो जीरो, सिक्स माइनस थ्री थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन इज टू. तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट क्या आई, 230 डिग्रीज. क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. हमें बस इतना ही करना है, सिर्फ हमें इसकी फर्स्ट वो एंगल इंटरनल साइड का एंगल मेजर करके रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट कैलकुलेट करनी है. एंड कैलकुलेट हम किस तरह करते हैं, जो हमारा इंटरनल साइड पर एंगल होता है उसे हम माइनस कर देते हैं 360 डिग्रीज में से. नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल बी. ये देखें एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी को अगर मैं मेजर करूँ, मैंने ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, फिर मैं आप लोगों को सिखाते हैं हम किस तरह करेंगे, आप लोगों को दिखाती हूँ. ये देखें हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्रीज. तो रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्रीज में से 30 डिग्री को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आया 330 डिग्रीज. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ हमारा, 330 डिग्रीज. यहाँ पर भी देखिए हमने रिफ्लेक्स एंगल को शो किया है क्योंकि हमसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जा रहा है, तो हम आउटर साइड पर रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करते हैं आउटसाइड पर. नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट को हम किस तरह करेंगे, नेक्स्ट को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वर्टेक्स पॉइंट. देखें क्या रहा हमारा, 90 डिग्रीज. इंटरनल साइड पर जो हमारा एंगल है वो है 90 डिग्रीज का. अगर हम 360 डिग्रीज में से 90 डिग्री को माइनस करें, मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या आया, हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या आया, 270 डिग्रीज. कंप्लीट, ये आप लोगों ने लिखना है ब्लू पेन से. इंटरनल साइड का एंगल आप नहीं लिखेंगे, आपने क्या लिखना है, सिर्फ रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट लिखनी है. डी डी की हम मेजरमेंट देखेंगे. अच्छा ये देखिए, मैं इस यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्स राइट एंगल के थ्रू बता दूँ. ये देखें राइट एंगल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये 90 डिग्री की लेस वाली साइड पर ड्रॉ हो रहा है. ये देखें अगर इस साइड पर होता तो हम ऑब्ट्यूस कहते हैं, ग्रेटर हो जाता है इस साइड पर है तो लेस है. तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से जो लेस वैल्यूज हो रही होंगी उसमें उस वाली डिग्री उस डिग्रीज में हम इसे मेजर करेंगे, मतलब 90 डिग्री से छोटे वैल्यूज में. ये देखें ये आ रही है मेरे पास 60 डिग्रीज. अब क्या करेंगे रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए, 360 डिग्री में से 60 डिग्रीज को माइनस कर देंगे तो मेरे पास आया 300 डिग्रीज. और रिफ्लेक्स एंगल मेजरमेंट क्या आई, 300 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ दीज रिफ्लेक्स एंगल्स. आपने क्या करना है, जो आपको एंगल्स गिवन है रिफ्लेक्स एंगल्स ड्रॉ करने विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर की मदद से आपने रिफ्लेक्स एंगल्स ड्रॉ करने हैं. नंबर 1 है आपके, ए है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 320 डिग्रीज. रिफ्लेक्स एंगल आपको ड्रॉ करना है 320 डिग्रीज का और एंगल्स आपने पॉइंट्स को नाम क्या देना है, पी क्यू आर. रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करने का तरीका हमने यहाँ भी सीखा, पहले मैंने आपको बताया
क्या करेंगे, पहले 360 डिग्रीज में से हमारे पास जो रिफ्लेक्स एंगल गिवन है उसको माइनस करेंगे, जो हमारे पास जो एंगल आएगा इंटरनल साइड का, पहले हम इंटरनल साइड का एंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम जो शो करेंगे उसमें हम कौन सा एंगल शो करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल से ड्रॉ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैक पेन से लिखेंगे आप, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर ऐड किया। ए रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 320 डिग्रीज, ये भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ब्लू पेन से यहाँ कुछ नहीं करना, बस आपने अब नेक्स्ट पेज पर एंगल ड्रॉ करना है। सबसे पहले लाइन रे ड्रॉ करेंगे, मैंने रे ड्रॉ की है और क्योंकि हमें 320 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है तो हम इंटरनल साइड का एंगल फाइंड करने के लिए करेंगे 360 डिग्रीज में से 320 डिग्रीज को माइनस कर देंगे, हमारे पास आया 40 डिग्रीज। 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इंटरनल साइड पर, अगर हम जब हम 40 डिग्री का एंगल इंटरनल साइड पर ड्रॉ करेंगे तो हमारे आउटसाइड पर एंगल जो है वो 320 डिग्री ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, 40 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है प्रोटेक्टर को यूज़ करके। रे पे मैंने प्रोटेक्टर सेट किया, आप देखिए मेजरमेंट इसकी 40 डिग्रीज कहाँ आ रही है, ये रहा 40 डिग्रीज, इसको ज्वाइन कर लेंगे। मैंने 40 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ किया है लेकिन मैं 40 डिग्रीज़ को शो नहीं करूँगी, एंगल को नाम क्या देना था, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, हमें कौन सा एंगल चाहिए था 320 डिग्रीज का, हमने 40 डिग्रीज ड्रॉ किए, जब हमने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तो हमारा आउटर साइड पर एंगल ऑलरेडी 320 डिग्रीज का आ गया, तो ये कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना आपको सिखा दिया, अब देखिए इसका बी रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है, एंगल वाई डब्ल्यू एक्स वाई 290 डिग्रीज, रिफ्लेक्स एंगल सी डी ई 335 डिग्रीज एंड रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी 200 डिग्रीज। ये आपने इसी तरीके से जिस तरह मैंने सिखाया उसी तरह करना है, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 7A कंप्लीट, और एक्सरसाइज 7A के साथ हमारी मिड टर्म स्कीम भी यहाँ कंप्लीट हो गई है, मिड टर्म स्कीम।